Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes here. I hope all you are very good. So today we are starting here the NCRT Civics Book of 7th class. So this is your first chapter, and the first chapter name contain on equality. Okay. So means equality means Samantha me. Okay. So we are starting from here. Okay so india is a democracy in the class 6 book we looked at the key elements of a democratic government okay so first of all before starting what is equality so we should know about the democracy okay here is a one word what is democracy so democracy if you talk about what is democracy so democracy means democracy mixed uh, make from two word comes from two words demo plus critia. ओके एंड इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ठीक है जो डेमोक्रेसी बना है डेमोक्रेसी जो बन रखा है डेमो प्लस क्रेटिया डेमो प्लस क्रेटिया सबसे बन रखा है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है डेमो का मतलब होता है जनता ओके और क्रेटिया का मतलब होता है शासन ठीक है मतलब ये हुआ कि जनता द्वारा जनता के लिए क्या होता है जब शासन हो जब जनता खुद अपने आप में क्या करती है शासन करती है तो उसे क्या कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं ओके सो यू शुड नो अबाउट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिस मीन्स जब क्या होता है इफ़ एनी पर्सन हु इज एटीन ईयर ओल्ड एंड अबव एटीन ईयर ओल्ड कैन कास्ट दर वोट ठीक है जब भी कोई क्या होता है एटीन ईयर ओल्ड होता है तो वो क्या कर सकता है अपने वोट को क्या कर सकता है कास्ट कर सकता मतलब दे सकता है ओके सो वी विल डिस्कस ईयर वट इज़ डेमोक्रेसी इंडिया इज द डेमोक्रेसी इन द्लास बुक वी लुक्ट दमने क्या कर लिया की book में जो कुछ की इलिमेंट्स थे okay? Means, जो कुछ ऐसे तत्व थे किसके डेमोक्रेसी के उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सो दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन द रेजोलेशन ऑफ कंफ्लिक एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस ओके सो so, हमें ये पता होना चाहिए दिस इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे सारे के लोग क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं ओके okay? इक्वलिटी उनके समानता में जस्टिस जब कोई न्याय होता है सो इक्वलिटी इज द की फीचर इक्वलिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंफ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी वट इज वट इट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज इक्वल इन द इंडिया लेट्स बिगेन बाई लुकिंग एट कांताज स्टोरी ठीक है तो हम क्या करते हैं ये पूरा का पूरा जो क्या है पैराग्राफ इसमें यह बता रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है क्या वाक्य में हर किसी लोग को क्या इक्वलिटी या समानता मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है सो येयर इज गिवन वन हिस्टोरी द नेम कांताज हिस्टोरी यानी कांता की जो हिस्टोरी उसमें हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ओके सो यर यू आर वाचिंग मंजीत कौर एक टीचर है तेजा सिंह एक ट्रेडर है ग्रीश रॉय स्टूडेंट है कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है घरेलू नौकर जो होते हैं सुजाता कुमारी ये भी क्या है डोमेस्टिक वर्कर है ओके ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट दियर बोज वोट इलेक्शन का दिन है कांता और सुजाता क्या कर रहे हैं वेटिंग मतलब लाइन में खड़े हैं क्योंकि उन्हें क्या करना अपना वोट देना है ओके सो हियर इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस देखो होता क्या है जब कोई क्या कर रहा है कोई भी इलेक्शन का दिन है और इलेक्शन के दिन क्या कर रहे हैं सारे वोट देने जा रहे हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं लाइन में खड़े हैं तो लाइन में कौन कौन से सुजा यहाँ पर एक नाम है सुजा तो सुजा का मतलब क्या हुआ सुजाता ओके एंड इसमें एक जैन साहब भी है ओके तो ये भी क्या हो रखे हैं लाइन पे खड़े हैं देखो यहाँ पे ये सारे ओके गो ऑन कांता इट्स योर टर्न ठीक है तो आप क्या कर रही है सुजाता जो बोलते कांता के लिए बोलती है कि भाई तुम क्या करो जाओ अंदर जाओ तुम्हारा क्या है इस समय टर्न है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हुज प्रोमिस्ट टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया ठीक है तो वो क्या बोले बोलती है कि मैं क्या करूँगी उस व्यक्ति को वोट दूंगी जो क्या करेगा मतलब जिसने मुझे क्या किया प्रॉमिस किया कि मैं क्या करूँगा तुम्हारी एरिया में क्या करूँगा जो पानी की शॉर्टेज है उसे पूरी करूँगा पाइप लाइन लाऊंगा ओके सो नेक्स्ट थिंग हियर हियर ओके सो अब्दुल रहमान आर्टिशन है सबनब बानू हाउस वाइफ ग्रेसी लेजंस कंसलटेंट से इजाक लेजिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स है रुकसाना मिर्ज़ा क्या है मीडिया पर्सन है योगराज क्या है अनएम्प्लॉयड है अन अशोक जैन क्या है इंडस्ट्रियलिजन है इंडस्ट्रियलिस्ट है ओके सो वी विल सी यू लेटर कांता उसने कहा कि आफ्टरवर्ड उस कुछ समय बाद वो बोलते कि वी विल सी यू लेटर कांता हम क्या करेंगे बाद में आपसे मिलते हैं यस नमस्ते साहब ओके गुड़िया हैज बिन रनिंग फीवर एंड हाई है हॉस्पिटल बट आई विल है मतलब गुड़िया कौन है यहाँ पे जो कांता है कांता की एक बेटी है जिसका नाम क्या है गुड़िया है तो गुड़िया हैज बिन फीवर मतलब वो क्या है उसे बुखार है लेकिन उसे कहाँ पर ले जाना है उसे हॉस्पिटल लेके जाना लेकिन वो अभी क्या नहीं कर सकती वहां नहीं जा सकती क्योंकि उसे पहले क्या करने हैं साहब के घर पे कुछ क्या है काम है पहले उसे फिनिश करना है तब जाके वो साफ़ से क्या बोलेगी एडवांस के लिए बोलेगी ओके एट होम घर में आती है जब तो हियर सम ऑफ द थिंग्स यू विल फील बेटर एंड वेन आई गेट बैक इन द इवनिंग विल गो टू द हॉस्पिटल ठीक है तो कांता क्या करती है अपने घर आती है घर में आने के बाद थोड़ा सा उसे कुछ देती है मतलब थोड़ा जो हम कह सकते होम रेमिडीज देती है और उसके बाद बोलते कि मैं क्या करूंगी जब मैं वापस आऊंगी शाम को तो तब क्या करूंगे हॉस्पिटल लेके जाऊंगे बस्ती इज नेवर क्लीं ठीक है तो ये जो कांताबाई है कांता क्या करती है कहाँ पर रहा करती है जो कुछ कैसे होते हैं सलम्स एरिया होते हैं जो बस्ती झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया है वहां पर रहती है तो ये बस्ती इतनी गंदी की कभी भी क्या नहीं होती क्लीन नहीं होती साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है ओके सो मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली मतलब ये कि इस समय कांता क्या कर रही है इस समय जैन साहब के घर पे काम कर रही है ये देखो यहाँ पे जैन साहब है ये इनकी वाइफ है और कांता क्या कर रही है सफाई कर करें ठीक है।, है तो यहाँ पे जो जैन साहब की वाइफ है वो क्या कर रही है वो बोल रहे कि मेक श्योर टू डू कॉर्नर प्रॉपरली मतलब कोने में बिल्कुल ठीक ढंग से क्या करो सफाई करो ओके okay? ओके नेक्स्ट हेयर इज योर एडवांस कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट ओके जैन साहब की वाइफ क्या कर रही है इस समय कांता को कुछ क्या दे रही है एडवांस दे रही है ठीक है और ये भी बोल रहे हैं कि क्या मत करना आदत तो मत डालना कि हमेशा क्या मांगते रहो एडवांस ही मांगते रहो ओके सो नेक्स्ट जो कांता बोलती क्या बोलती है नो no, मैडम बिल्कुल नहीं ओके दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मिनट्स बीटी ओके okay, तो कुछ देर बाद वो क्या करने कहाँ चले जाते हैं हॉस्पिटल चले जाते हैं okay? ओके जैसे यहाँ पर ये कांता है और इनकी बेटी है और यहाँ पर ये क्या है ओपीडी है ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है ऑलरेडी बेटिंग में है ओके okay? और वो अपनी बेटी से बोलते हैं कि जैन मै मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन द लाइन टू बोट बट दे नेबर देयर चिल्ड्रन आर सिक्स ठीक है अब इसमें टोटली बात आ रही है इक्वलिटी की समानता की ओके और यहाँ पर जो कांता है कांता क्या कर रही है अपनी बेटी से बोल रही कि जो हमारे जैन साहब हैं और जो जैन मैडम भी है वो जब तो हम बोर्ड दे रहे थे हमारे साथ लाइन में ही खड़ी है लेकिन जब उनके घर में कोई बीमार होता है तो वो कभी भी ऐसे किस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं आते और ना ही ऐसे लाइन में लगे रहते हैं ओके सो डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर सी रियली इज इक्वल लिस्ट दी रीजन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दैट माइट मेक आर फील लाइक दिस ओके सो नेक्स्ट फ्रॉम ईयर ओके द स्टोरी अब बिगेन्स विद कांतास स्टैंडिंग लाइन टू कास्ट हर वोट लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर कांता रिकोगनाइज हर इम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर्स ठीक है तो देखो ये पूरी की पूरी स्टोरी है ये पूरी पूरी, पूरी स्टोरी बताते कि कांता के साथ जिस समय वोट देने की बारी तो वो कौन कौन से मतलब तो जैन साहब भी खड़े थे उसके कुछ क्या थे जो एम्प्लॉयर वहां काम करने वाले थे जैसे अशोक जैन है छोटे लाल हैं ठीक है उसके कुछ नेबर भी थे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अदर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ वट रिलीजन दे बिलोंग टू हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड वट कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट ठीक है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है जहाँ पर क्या होता है एक लोकतांत्रिक देश है प्रजातांत्रिक देश है वहाँ पर क्या है किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती किसी भी तरह के कोई भेदभाव या विभिदीकरण नहीं होता जब वो क्या करते हैं वोट देते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन धर्म के हों किसी चाहे उनकी एजुकेशन कितनी भी हो चाहे वो किसी कास्ट के हों सब सबके पास क्या है मतलब एक राइट है किस चीज़ का वोट देने का ओके दिस As you have already read in class six, book is called Universal Adult Franchises. Okay, an important word. है. Universal Adult Franchises. Okay. So, what is the meaning of the Universal Adult Franchises? In a simple way, if any person who is Indian citizen and he and she is eighteen year old. Okay, I am again repeating it. If any person and who is Indian citizen. एंड इफ ही एंड शी इज एटीन ईयर ओल्ड कैन कास्ट दियर वोट टू दियर रिप्रेजेंटेटिव एज पर दियर चॉइस दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज ओके मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो क्या है अट्ठारह साल का है ठीक है और वो भारत का नागरिक होना चाहिए उसे क्या है वोट देने का अधिकार है वही उसी को क्या कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज कहते हैं ओके okay? So here and is an essential aspect of the democracy the idea of universal adult franchise is based on the idea of a equality because it state that every adult in a country irrespective of their wealth and the communities she he belong to has one vote Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote जहां पर हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो कांता को कभी कभी क्या लगता उस समय तो उसे ऐसा लगा कि जब वो क्या कर रही थी वोट देने गई थी उस समय उसे ऐसा लगा था कि मैं क्या इक्वल हूँ मतलब जब जैन साहब भी उसके साथ क्या थे खड़े खड़े थे जैन साहब की वाइफ भी खड़ी थी ठीक है खुद भी थे तो उसे लगा था कि क्या हम सब क्या इक्वल है लेकिन जब कहाँ पर हुआ मतलब जब वो घर में काम कर रही थी ठीक है या फिर जब कहाँ चली गई हॉस्पिटल में गई तो उसे ऐसा लगा कि हम बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ओके बट As her day goes on, Kantha becomes less certain about what is equality really mean. What is it that Kantha unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, uh, but she cannot take the off from work because she needs to borrow money from her employees to take her ch child to the doctor. Her job a domestic help tires. हर आउट एंड फाइनली शी एंड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्मेंट हॉस्पिटल हीज़ अन लाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर ठीक है अब इसमें यह है कि लेस्ट टेक लुक आउट फॉर डे हर लाइफ ठीक है जैसे कांता की लाइफ है तो पूरी की पूरी जो डे है उसका डेली रूटीन है काफ़ी कैसा रहता है बिजी शेड्यूल रहता है मतलब तो सुबह के लेके शाम तक हो गया करती घर में लोगों के घरों में जाती है ठीक है वहाँ पर क्या करती है झाड़ू करती है पोछा करती है ठीक है तो बिल्कुल भी एक दिन की क्या नहीं ले सकती छुट्टी नहीं ले सकती ठीक है क्योंकि उसे क्या होती है उसे अर्जेंटली मनी यानी पैसे की जरूरत होती है और ना ही उसे टाइम पर क्या है डॉक्टर के पास जाने जाने का टाइम होता है ठीक है तो वो क्या करती है वो फाइनली कहाँ जाती है अपनी बेटी को दिखाने के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है और उसी की तरह वहाँ पर क्या होती है बहुत सारे और भी गरीब लोग होते हैं जो पहले से ही वहाँ पर क्या होते हैं एक लाइन में खड़े होते हैं ओके

लेकिन उनकी जो डेली लाइफ है या फिर जो उनकी उनकी कंडीशन है वो क्या है और लोगों के समान बिल्कुल नहीं है ओके सो अपार्ट फ्रॉम द बींग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वलिटी इन डिफरेंस वे ठीक है जो गरीब लोग हैं गरीब लोग हैं या फिर जो क्या है थोड़ा नीचे तबके के लोग हैं पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस मतलब उन्हें क्या करना पड़ता है असमानताओं का सामना करना पड़ता है ओके नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट दिस मींस बाय रीडिंग द टू स्टोरी

जहां पर रहने के बावजूद भी क्या है इनको क्या है असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है ओके सो स्टूडेंट फ्रॉम हियर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो ठीक है यहाँ से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आप इस पूरी पी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा जो पी जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ओके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या करूँगा इसका लिंक आपको दे दूंगा ठीक है तो आप डायरेक्ट लिंक पर जाके इसको जो पी डी एफ फाइल है उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद इसे एक बार रिविज़न करना रिविज़न करने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ओके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में क्वेश्चन uh, भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं मैं वहीं से आपका क्या दूँगा आंसर दे दूँगा ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय